हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी सीएनएट के बारे में। आखिर कब स्टार्ट हो सकता है और आखिर कब ऑक्शन होगा, इसके बारे में कुछ अपडेट आया है तो वो सभी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप लोगों का डेली कमेंट आता रहता था कि प्लीज़ बनाइए ऑक्शन और स्टार्टिंग डेट के ऊपर वीडियो। तो मैं बहुत दिनों से नहीं ला रहा था क्योंकि मेरे पास कोई अपडेट नहीं आ रहा था। तो अभी मेरे पास कुछ अपडेट आए हैं सीजन 8 के रिलेटेड में, और मैं आपको बता दूँ ये सभी अपडेट अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है अभी ये सभी अपडेट, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है कि बहुत जल्द हमें ऑक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द हमें आपको डेट भी बताऊंगा आखिर कब तक ऑक्शन देखने के लिए मिल सकता है और स्टार्ट हो सकता है कब। आपको सारे बातें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी और मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन वो आप कन्फर्म मत मानिए कि उसी समय पर पीकेएल स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोविड के केसेस कभी भी बढ़ते रह रहे हैं और घटते रह रहे हैं, तो इसीलिए डेट इधर उधर जा सकता है। इसीलिए इससे पहले भी कुछ मंथ पहले अपडेट आया था कि पीकेएल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टार्ट नहीं हुआ। उस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स था कि स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोविड के केसेस इंडिया में बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ते और घटते जा रहे हैं इसी के कारण से। तो चलिए अब इस वीडियो को में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर हमें कब देखने के लिए मिल सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जैसे ही कुछ अपडेट आते हैं ऑक्शन और प्रो कबड्डी के रिलेटेड में, मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी वो टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। जब तक अच्छा खबर नहीं आता है ऐसे छोटे मोटे बेकार में मैं वीडियो अब अपने ही नहीं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स या फिर कोई अपडेट आते हैं वैसे ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीकेएल के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर एक पेपर का कटा हुआ पीस देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्रो कबड्डी सीजन 8 के बारे में कुछ बातें हैं। तो अगर आप लोग को ये पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर पढ़ लीजिए, मैं ऐसे आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर एक आर्टिकल भी देख सकते हैं, यहाँ पर सीजन 8 के बारे में बात किया गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पीकेएल के बारे में कुछ कुछ अपडेट आने लगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूँ, कुछ समय पहले पवन रावत ने भी अपने इंस्टा आईडी पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो उस समय सभी लोगों को लग रहा था कि उन्होंने ऐसे ही वीडियो अपलोड किया था, लेकिन शायद उन्हें पता चल गया होगा कि पीकेएल स्टार्ट होने वाला। और साथ ही में आप यहां पर देख सकते हैं गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के जो कोच हैं उमनप्रीत सिंह, उन्होंने भी कुछ फोटोज पोस्ट किए थे ऑक्शन के रिलेटेड में, और एक प्रो कबड्डी के प्लेयर ने भी पोस्ट किया था, लेकिन मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपके स्क्रीन के सामने उनका फोटो शो कर दे रहा हूँ। तो इन्होंने भी पोस्ट किया था, अभी आप देख सकते हैं इनका नाम, और साथ ही मैं उनका वीडियो का थोड़ा सा क्लिप भी दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं तीन तीन दो प्लेयर और एक कोच ने भी थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि पीकेएल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों को क्या लग रहा है, पीकेएल स्टार्ट होगा या नहीं, और आर्टिकल वार्टिकल भी आने लगे हैं पीकेएल के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब हमें ऑक्शन कब देखने के लिए मिल सकता है, जिसका कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2 साल से भी अब ज़्यादा हो चुका है पीकेएल। अगर यहीं पर हम लोग बात करें पीकेएल के ऑक्शन के बारे में, तो हमें ऑक्शन देखने के लिए मिल सकता है अगस्त में। जी हाँ दोस्तों, हमें अगस्त के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है अगस्त में। मैं आपको बता दूँ तो हमें शायद लास्ट वीक तक हमें देखने के लिए मिले अगस्त के लास्ट वीक में, यानी कि 25, 26, 27 इसी सभी डेट में ज़्यादातर चांस है देखने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये आप कन्फर्म मत मानिए कि हमें इस साल देखने के लिए मिलेगा पीकेएल, ये 50-50 चांस है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये तो बात हो गई हमें ऑक्शन कब से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर स्टार्ट कब होते हुए दिखाई दे सकता है हमें प्रो कबड्डी। तो वो स्टार्ट हो सकता है नवंबर में। जी हाँ दोस्तों, नवंबर या दिसंबर में हमें स्टार्ट होते हुए दिख सकता है पीकेएल। बहुत ज़्यादा हाई चांस बन रहा है कि हमें इसी समय में देखने के लिए मिलेगा, और ऑक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा अगस्त में। और एक बार मैं आपको बता दूं कि ये 100% कन्फर्म नहीं है, और शायद ये डेट इधर उधर भी जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मत बोलिएगा उस समय, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें इस समय देखने के लिए मिल सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए कबड्डी के रिलेटेड में ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ।